राजनीति की हो या हो सामाजिक घटना हो या दुर्घटना, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, बातें होंगी आपके शहर की, उत्तर प्रदेश की हर खबर से यूपी और जंक्शन पर। यूपी एटीएस व आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने बिजनौर में कल से डेरा डाल रखा है, वो भी महज इसलिए कि बिजनौर का रहने वाले जावेद नाम के युवक को कश्मीर में अभी हाल ही में आर्मी के अफसरों ने अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। इसी सिलसिले में आतंकी कनेक्शन होने की सुगुगाहट को देखते हुए बिजनौर में जावेद के घर जाकर एटीएस ने दो को हिरासत में ले रखा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। घर पर हुई एटीएस की छापेमारी के बाद परिजन घर पर ताला लगाकर गायब हो गए हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद उमर जी। ये हमारे गांव में नूर अलीपुर भगवंत और डेयरी में एटीएस की टीम आई थी, दो आदमियों को पकड़ कर ले गई थी, उनसे जो पूछताछ जा रही है। किसी को छोड़ा भी अभी वहीं एटीएस के पास? अभी अभी नहीं छोड़ा किसी को। किस समय में पकड़ के ले गई थी? आतंकवादी के, उसमें आतंकवादी से इनका संबंध है, ऐसा कुछ है कि आतंकवादी से इनका संबंध है। अच्छा, किसी ने? क्या नाम है? नसीम अहमद जी, ग्राम प्रधान नूर अलीपुर भगवंत जी। हाँ, जो एटीएस की टीम आई थी कल सुबह, तो एक लोग को उठा के ले गई थी और एक को बाद में बुलाया पूछताछ के लिए। तो उनसे पूछताछ चल रही है? पूछताछ चल रही है प्रधान जी। ऐसा भी कुछ अफवाहें उड़ रही है कि जैसे आतंकी संगठनों से कहीं ना कहीं कुछ इनका तालमेल है, क्या है? नहीं जी, है तो ऐसा कोई मामला हमारे ज्ञान में आया नहीं।